हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है e की पावर एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन 2x कॉस 2x का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो वो क्या होता है, e की पावर एक्स 2 प्लस साइन 2x, लिख देता हूँ यहाँ पे साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, और 1 प्लस का कॉस ए वो इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आएगा 2 साइन एक्स एंड 2 कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस ए की जगह पे वर्क कर रहा है 2x, तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, मतलब 2x बाई 2 क्या आएगा, x। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको सेपरेट करते आएगा e की पावर x, यहाँ पे 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स इन टू कॉस एक्स अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस से 1 कॉस कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा e की पावर एक्स 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन में कॉस हो गया टेन एक्स। ठीक है जी, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स प्लस का टेन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, ये है। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आ सकता है। कौन से टाइप से, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, एक ही पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये इज इक्वल टू होता है e की पावर x इन टू में एफ एक्स प्लस का c। ठीक है, तो इसका डायरेक्टिव ये है, तो आंसर में आएगा ये। इसका आंसर हमारा हो जाएगा e की पावर x इन टू में tan x प्लस का c, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी,